परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रेज गॉड फॉर हिज होली नेम। जिसने मुझे इतना सुनहरा मौका दिया आप लोगों के बीच में खड़े होने के लिए और गवाही देने के लिए, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। I praise God for giving me this wonderful opportunity to stand before you all to glorify the name of God in midst of you. मेरा जन्म एक गैर मसीही परिवार में हुआ। I was born and brought up in a non-Christian family. और उसी रीति रिवाज के अनुसार मेरा पालन पोषण हुआ। I was brought up according to their traditions and rituals. क्योंकि मैं एक लड़की होने के कारण बचपन से ही मुझे मेरे माता और पिता का प्रेम नहीं मिला। As I was born as a girl, I didn't got any love from my parents and others. प्रेम की घटी होने के कारण मैंने अपने जीवन में बहुत दुख और जीवन में बहुत खालीपन महसूस किया। Due to the lack of love in me, I feel myself as I am very empty and emptiness. इस खालीपन को महसूस करने के कारण मैंने अपने जीवन को 3 बार नाश करने की भी कोशिश की। As I was feeling very emptiness, I thought to end my life. लेकिन मेरा परमेश्वर इतना महान है जिसने मुझे 3 बार नाश होने से बचाया। But God is great God. God rescued me from these 3 times which I thought end of my life. और बार बार मुझे अपना जीवन नया जीवन देता रहा। Often God renewed my life again. मैं अपने जीवन में इतना परेशान होने के कारण एक दिन मैं बहुत जोर जोर पुकारी, है क्या कोई सच्चा परमेश्वर? कोई सच्चा परमेश्वर है क्या इस जहां पर? While I was going through this tribulation trials, I was asking God, is there any God to redeem me? लेकिन कुछ भी उत्तर नहीं मिला। But all these are in vain. इस प्रकार मैंने एक सच्चे परमेश्वर को जानने की कोशिश किया। So I thought of knowing a real God, a true God in this world. एक दिन मैं अपने कॉलेज जा रही थी। One day I was going to my college. कॉलेज जाते समय बीच में एक चर्च पड़ा। When I passed through my college, I saw one church. और वहाँ पर एक बोर्ड लगा था। There I saw a big board. बोर्ड में लिखा था यूहन्ना 14:6, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। There I saw one verse, John 14:6, I am the way, the truth and life. थोड़ी देर में वहीं खड़े होकर सोचती रही, ये क्या है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। There, when I read the verse, I thought that there's no other way to go to the Father. I thought then what's the other way? रोज रोज मैं उस रास्ते से जाने लगी और वो चर्च दिखाई दिया। I kept on meditating this verse and I was reading this verse while I going to the college. और रोज वहीं पे खड़े होकर मैं उस वचन को पढ़ती। Every day I stood there and I used to read that verse. धीरे धीरे यह वचन जब भी मैं सुबह उठती, दिन रात हर समय मेरे दिमाग में काम करता रहता। Gradually the verse kept on working in me. हर समय ये परमेश्वर की आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती। This word of God kept on ringing in my ears. 3 साल तक ये आवाज मेरा पीछा करती रही। ये कंट्रोली फॉर द पास्ट 3 इयर्स इट वॉज बीन वर्किंग इन मी एंड इट वॉज रिंगिंग इन माई इयर्स। पर उस समय मुझे नहीं मालूम यीशु कौन है। That time I don't know who is Jesus Christ. और मैंने यीशु से ऐसे ही प्रार्थना किया कि यीशु पिता, मेरा ये ग्रेजुएशन का आखिरी एग्जाम है, इसमें मैं हाईएस्ट मार्क्स लेकर आना चाहिए। That time I don't know while I was studying graduation, so I thought of getting my high marks to score highest marks. सच में परमेश्वर ने मुझे उस ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सहायता किया। By the grace of God, I got a good number. I scored good highest marks in that. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. एक दिन कोचिंग में मेरी मुलाकात एक TPM की मसीही बहन से हुई। While I was studying in the coaching, I met a new TPM believer. उस बहन को भी मैंने अपना दुख बताना शुरू किया। I began to tell all my griefs and I have begun to share my troubles to her. वो मसीही बहन ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया। That believer began to preach about Jesus Christ. मैं दिन रात उससे परमेश्वर के बारे में सुनने लगी। Day and night I began to hear the word of God. 3 साल से मुझे माइग्रेन बहुत पेन था। 3 साल से मुझे माइग्रेन का दर्द था। For 3 years I suffered with my migraine. यह भी मैंने अपनी उस मसीही बहन को बताया। That also I told to that girl. उसने कहा मुझे भी माइग्रेन है और परमेश्वर ने मुझे इस माइग्रेन से छुटकारा दिया।
that girl told that I also got affected by that migraine, but God delivered me from all those diseases. एक दिन वह मुझे अपने साथ चर्च लेकर के गई. One day I gone along with her into church. मैं फेतों में जाकर वहाँ पर एक उपवास प्रार्थना चल रही थी. While the fasting prayer was going on, I attended there. उपवास प्रार्थना में शामिल होने के बाद मेरे हृदय में बहुत अधिक शांति मिली. After I participated in the fasting prayer, I got great peace in my heart. संतों को भी मैंने अपने दुख के बारे में बताया. I began to share my all my griefs to our servants of God over there. संतों से बात करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कई बातों को मुझे बताया, अपने माता पिता का आदर करना, क्योंकि मैं मुझे माता पिता का प्रेम ना मिलने के कारण मैं माता पिता से नफरत करने लगी थी. Because the lack of love in me, I began to neglect my parents. So servants of God advised me to be obedient to the, my parents and to love them. सेवकों की बातों को सुनकर मैंने अपने माता पिता को प्रेम करना शुरू किया. After the hear the words of servants of God, I began to obey the words and I began to love my parents. और माता पिता की आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता किया. God helped me to obey my parents. इस प्रकार से मैं रोज रोज फेतोम जाना शुरू कर दिया. This way I began to attend all my church meetings. और सेवक लोग जब भी मेरे सर में हाथ रखते थे, whenever the sons of God hold my hand upon my head, सच में उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा मेरा माइग्रेन जो इतना ज्यादा दर्द होता था कि मैं अपना सर दीवार से लड़ाती थी, through their prayers I got deliverance from my migraine. उस दर्द से परमेश्वर ने मुझे पूरी तरीके से छुटकारा दिया. God fully delivered me. God gave me a perfect healing from that migraine. और भी कई बार मेरे जीवन में बीमारी आई. Often I got sicknesses in my body. बीमारी आने के दौरान मैं जब भी फेतोम जाती, when I got sick, I used to go to church. वहाँ पर सेवकों के द्वारा दिए गए भोजन से और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर मुझे चंगाई देता था. Through the prayers of servants of God, under the meal which I took from Faithom, I got healed. परमेश्वर के भवन में जाने के दौरान में परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझसे बातें करना शुरू किया. After attending the church meetings, God began to speak to me through many verses. और सेवकों की अगुवाई के द्वारा परमेश्वर ने जो पानी का बपतिस्मा लेने के लिए सहायता किया. By the grace of God, God helped me to be the waters of baptism. पानी का बपतिस्मा लेने के बाद मुझे ऐसा लगा सच में मैंने जो बचपन से लेकर अपने पाप किए हैं उन सारे पापों से नहीं परमेश्वर ने मुझे पूरी तरीके से धो दिया है. From my childhood, which I what and all sins and which I did against God, God began to show me, and I one by one God forgave me. और परमेश्वर ने मेरे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया. Fully God changed my life. परमेश्वर ने मुझे संसार और संसार की सारी वस्तुओं से नफरत करने के लिए मदद किया. God helped me to neglect all the world and worldliness. और भी परमेश्वर मुझे अपने प्रेम में खींचता गया. I was constrained by the love of God. एक दिन मैं अपने घर में पवित्र आत्मा की बाट जो रही थी. One day I was waiting for the anointing of the Holy Ghost. परमेश्वर ने मुझे घर में पवित्र आत्मा पाने के लिए सहायता किया. God helped me to receive my anointing in my house. और भी परमेश्वर मुझे स्वर्गीय स्वप्न दर्शन के द्वारा मुझसे बात करने लगा. God began to speak me through visions and God began to talk me with his verses. लेकिन परमेश्वर के बात करने के बाद भी एक दिन मेरे जीवन में फिर से परमेश्वर के प्रेम की घटी हो गई. After some days, I began to lose the love of God. परमेश्वर के प्रेम से पीछे हटने के बाद मैं फिर से संसार में जाने लगी. When I backslid from love of God, I began to love the world. फिर से मैं टीवी देखना शुरू कर दिया. I began to watch television. एक दिन मैं टीवी देख रही थी. One day while I was watching television. फिर मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना. I heard a voice of God. यदि तू मेरी बेटी है तो टीवी की ओर नहीं देखेगी. If you are my daughter, why are you watching television? यह आवाज मेरे कानों में गूंजी और फिर से परमेश्वर मुझे अपने प्रेम में खींचा. By the words of this love, God really attracted that was ringing in my ears. और परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे टीवी देखने से छुटकारा दिया. Once again, God delivered me from watching the television. और भी परमेश्वर मुझे सेवा की बुलाहट दिया. Then God called me to serve God. एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बोला, तू मेरी, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरी ही है. One day God spoke me to towards me that I have called thee by thy name, you are mine.
माँ के गर्भ में से मैंने तुझे चुन लिया है. Before formation of the belly, I known thee. इन बातों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया. So this verses God called me to his ministry. सेवकाई के लिए परमेश्वर ने समर्पण करने के लिए सहायता किया. God also helped me to surrender or dedicate myself to serve the service of God. लेकिन घर में रुकावट होने के कारण मैं हर पल यही सोचती थी, परमेश्वर मैं कैसे सेवा में आऊंगी. But as I saw my hall in the house, I saw many obstacles and hurdles. But how can I come out of all these obstacles? And I asked God. लेकिन जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला, as God delivered Israel from the hand of Pharaoh, उस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे भी मेरे घर से बाहर निकलने के लिए मदद किया. Likewise, God enabled me to deliver from all the hand of her, Pharaoh. God enabled me to come out from for the ministry. और सेवा में आने के लिए मदद किया. God helped me to join the ministry. 2020 में परमेश्वर मुझे सेवा में लेकर आया. In the year 2020, God helped me to surrender myself to the full time ministry. 2 साल परमेश्वर ने मुझे ट्रेनिंग में रहने के लिए मदद किया. 2 years God helped me to be in the training center. ट्रेनिंग में भी परमेश्वर ने मुझे कई प्रकार की बीमारियों से बचाया. While in the training period, I got many sicknesses and diseases. और मृत्यु से बचाया. God helped me to get rid of the gates of death. ट्रेनिंग खत्म होने के बाद परमेश्वर के द्वारा और संतों की अगुवाई के द्वारा परमेश्वर मुझे नागपुर में लेकर आया. According to the counsel and plan of the servants of God, they sent me to serve me to be in the Nagpur center. नागपुर में परमेश्वर ने अभी तक संभाला और सेवा करने के लिए सहायता किया. Till now God has helped me to serve God in the Nagpur center. आगे भी परमेश्वर मुझे सहायता करना चाहिए. God will preserve me and help me to serve him ever one more. आखिरी में मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ. Lastly, I want to tell one thing. कि मैं एक अंधकार में थी और एक पाप में थी. I was in darkness and was in the full of sin. एक मरी हुई अवस्था में दिखाई देती थी. I was in the death bed. लेकिन परमेश्वर सारे अंधकार से, सारे पापों से, सारे दलदल की खींच से मुझे बाहर निकालकर, But God came to me and he delivered me from all the darkness and from all the sin. एक ज्योति में मार्ग को दिखाया. God has brought me into his light. परमेश्वर अभी भी हर पल यही बोलता है, मार्ग यही है, इसी पर चले. Even now God is speaking me to, I am the way, the truth. So walk in this path. सच में इस दुनिया में कुछ भी नहीं. Really, this world does nothing. और यीशु ही सच्चा है यह जानने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया. God help me to know Jesus and he is the true and the true God. मेरी एक ही आशा है. My only one. कि जब भी मेरा परमेश्वर आएगा, when my Jesus Lord will come, तो वह मुझे जरूर लेके जाएगा. Surely he will take me up. अंतिम सांस तक परमेश्वर इस मार्ग में, इस सेवा में बने रहने के लिए प्रभु मेरी सहायता करना चाहिए. Children, God must help me to stand in the ministry and in His love. आप लोगों से प्रार्थना की मांग करती हूँ. I beseech your earnest prayer. अपनी छोटी सी गवाही देते हुए मैं बैठती हूँ. I conclude my this. परमेश्वर के नाम की स्तुति.